मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़ के दौरे से वापस लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं भी हैं। जितने भी शासकीय योजनाएं चल रही हैं उस पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर सीएम बघेल ने राजभवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और हमने हर वर्ग को आरक्षण दिया। 2 दिसंबर से 20 दिसंबर हो गई है लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। बीजेपी आरक्षण पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के राहुल गांधी को पत्र लिखने पर सीएम बघेल ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये पत्र लिख रहे हैं। जब कोरोना काल में चुनाव करवा रहे थे तब ये सब नहीं दिख रहा था। वहीं भाजपा के छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान पर सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, भाजपा खुद सिमटती जा रही है। कांग्रेस अभी उत्तर भारत में खाता खोल चुकी है, पहाड़ में हमारी सरकार बन गई है। अपनी बात यदि कहना है, अरे भेंट मुलाकात करके मैं 50 से अधिक विधानसभा में जा चुका हूँ, सबके पास माइक होता है जो भी। और ये जो सवाल है आरक्षण के मुद्दे कई बार उठाए गए, अभी महासमुंद जिला गया तो बहुत सारे हमारे SC के लोग हैं सामाजिक रूप से मिलने आए, तब चाहे सार्वजनिक रूप से, तो माइक में बात रखे और मैंने अपनी बात रखी। भाई बाबा साहब अम्बेडकर तो सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था की वही मैंने लागू किया। यदि जनगणना अधिक आया तो मैं विधानसभा में बोला, यदि जनगणना में 1% ज्यादा आया, 2% आया, 4% आया, 10% आया, मैं दूंगा।